प्लेस टाइम। भाई और बेटा, मेरा बिहार सरकार से एक सवाल है कि 50 लाख से लगभग 1 करोड़ लोग बाहर में फंसे हुए हैं, मुरादाबाद से लेकर के आंध्र प्रदेश, मणिपुर, पटियाला, पंजाब, राजस्थान, अहमदाबाद, मुंबई, आंध्रा, तमिलनाडु, दिल्ली। लगभग मेरे पास आप देखेंगे ये 5000 टेलीफोन नंबर हैं, ये नंबर जिनके आए हुए हैं, लगभग ये 5000 नंबर से जहाँ जहाँ लोग हैं, अपने माँ के लिए कोई रो रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए रो रहा है, कोई अपने पिता के लिए रो रहा है, कोई अपनी बहन के लिए रो रहा है, कोई अपने हस्बैंड के लिए रो रहा है, कोई अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनके कल से खाने बंद हो गए। फैक्ट्री मालिक अन लोग जहां मछुआरे मछुआ मारने गए, जहां लोग काम करने गए, उनकी ये चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, हम मरेंगे या बचेंगे। उनकी चिंता यह है कि हमारा परिवार का क्या होगा। हम दूर हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे पिता बीमार हैं, मेरी माँ मर गई है, मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं कंधा भी ना दे पाऊं। सरकार मस्त है, नीतीश जी ममता से क्यों नहीं सीखते हैं आप? ममता दीदी के लिए कोरोना वायरस नहीं है, पत्रकारों के लिए कोरोना वायरस नहीं है, कर्मचारियों के लिए नहीं है, सिर्फ नेताओं के लिए। नेता सिर्फ वोट लेने के लिए नीतीश जी होते हैं, इस्तेमाल करने के लिए। भगवान है क्या नेता? भगवान तो जनता है नीतीश जी। और नरेंद्र मोदी जी, आपके क्षेत्र में घास पर एक गांव है मुसहर समाज का, वो घास खा रहा है, एक अखबार वालों ने छापा उसको तो धमकी आ गई उसको, खंडन करो। नहीं था पत्रकार मरे भी, कोरोना वायरस भी ले और गाली भी सुने, क्यों काम करेंगे मोदी साहब? क्या सच दिखाना गुनाह है? 15 लाख लोग आए, आपने एक एडवाइजरी चिट्ठी निकाल दी सभी राज को कि 15 लाख लोगों की जांच कैसे होगी आप पता करें स्टेट में। 15 लाख लोगों आए, इसकी पूरी जिम्मेदारी उड़ीयन मंत्रालय, नागरिक मंत्रालय की है। आपके पास इसके लेखे जोखे हैं, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी टाल दी। जैसे लगातार प्रॉब्लम्स की बात होती है, सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही। मैं बार बार कह रहा हूं, कल से 3 दिनों के अंदर 3rd स्टेप में हम लोग जाएंगे। जांच नहीं हो पा रही है, लगातार बिहार में 2 नए सिम्टम पैदा हुए। नीतीश कुमार जी, अभी तक आपने कोरोना वायरस के लिए कोई अस्पताल अलग नहीं किया, ओपीडी तो बंद कर दी। जिस टाटा वार्ड में हमारे एक बच्चे मरे थे कोरोना वायरस से, आपने उसका सैनिटाइजर तक नहीं किया। बुखार और खांसी जिस बच्चे को होता है, उसको आपने कोरोना वायरस NMCH में एक मधुबनी के व्यक्ति को आपने डाल दिया। आपके डॉक्टर, वहां की नर्स रोड़ो करके चिल्ला करके अपनी वेदना बता रही है। आखिर सिर्फ जिम्मेदारी जनता पर ही क्यों? एक तरफ भूख, एक तरफ दूरियां, एक तरफ लाठी, एक तरफ ताला लगा करके हर जगह मौन। आपके जितने नंबर्स हैं नीतीश कुमार जी, आपने सारे नंबर बंद हैं आपके। जी न्यूज पर आज हुई, पटना के सारे नंबर, सुधीर जी संयुक्त सचिव, 9476191436 बंद, 9818331252 बंद, 9773711261 लगता नहीं, 9431019731 इंगेज रहता है, 7631499304 इंगेज रहता है, 9973904456 बंद। आपने आपके रेसिडेंस कमिश्नर से जब बातचीत हुई,
जी न्यूज की अन लोगों की, तो उन्होंने कहा मैं तबाह हो जाऊंगा यदि फोन उठा के नहीं रखूंगा, तो काम हो रही है डिस्टेंस मेंटेन करना है, मैं बात नहीं करूंगा। ममता दीदी के लिए डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर तो छोड़ भी दिया, भागलपुर के लोगों ने तो देखना तक बंद कर दिया और चले गए, क्यों काम करे? आपके लिए गर्व क्यों नहीं होता है आपको कर्मचारियों पर? आप तो जब हिंदुस्तान में ट्रंप आए थे सारे नेताओं ने तब से दूरियां बना ली, आम आदमी को क्यों छोड़ दिए नीतीश कुमार जी आप मरने के लिए? क्या आम आदमी हमारा परिवार नहीं है? सिर्फ दर्शन में आप परिवार मानेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं। प्रैक्टिकल सिर्फ आपका जीवन है, आप लोगों का जीवन है। नेता मस्त हो गए, मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस मेंटेन करना है। कुछ लोग ट्वीट कर देते हैं कि हमारा कार्यालय सॉल्यूशन वार्ड बना दीजिए। अरे पगले, ये बच्चे का खेल नहीं है, कन्या बुराड़ी का। सॉल्यूशन वार्ड डॉक्टर और दवाई और किट्स के बाद ना, किट्स के लिए पप्पू यादव 5 लाख रुपया की घोषणा किया है। ये एमएलए एमपी का फंड नहीं है नीतीश कुमार, ये मेरे जमीर का पैसा है, मेरे ईमान का पैसा है, मेरे परिवार और रिश्तेदारों का दिया हुआ पैसा है। मैं जानना चाहता हूं, किट्स पहले लाइए ना, जांच घर बनाइए ना, या सवाल क्यों खड़ा नहीं हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप हमेशा आप लोगों को जागरूक करते नहीं, सेकेंड स्टेज गले में आता है उस पर आपने चर्चा नहीं की, आपके डॉक्टर खांसी सर्दी वाले आते हैं उसको भी कोरोना वायरस के वार्ड में डाल दिया जाता, या नहीं तो उसको छोड़ दिया जाता है। अरे बाप रे बाप, गांव में आम आदमी यदि किसी बीमारी से मर रहा है तो कोरोना वायरस की शंका के द्वारा उसके परिवार और अपने कंधे तक देने को तैयार नहीं है। क्या इसी हालात आप पैदा कर देंगे? ममता दीदी को देखिए, वह जगह जगह पर घूम घूम करके डिस्टेंस के लिए अपने से तय कर रही है आपको कितने में रहना है, क्या वो इंसान नहीं है? बिहार के सारे लोग ट्वीट ही करेंगे, क्रांति पैदा करेंगे, बहुत सारे लोग क्रांति पैदा करने वाले आज कहां है? ट्विटर्स बॉय एंड अदर बॉय ट्विटर्स लोग हैं क्या बिहार में? वो लोग जो बिहार निर्माण की बात करते हैं और बिहार की आवाज की बात करते हैं, वो बिहार क्यों नहीं? केजरीवाल बनना चाहता हो वो बिहार क्यों नहीं गए? वो लोग कहां हैं आज जब बिहार के 1 करोड़ लोग परेशान हाल में हैं? मैं चुनौती देता हूं नीतीश कुमार दिया, तो घर से निकलिए, विपक्ष और सारे लोगों को कहता हूं कि हरियाणा में रहने के लिए और मजे लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं आप लोग। जब कर्मचारी काम कर सकता है तो एमएलए एमपी मंत्री संतरी क्यों नहीं? वो अकेले निकले जाए अपने क्षेत्र, 50 लाख रुपया जनता का दे देने से कुछ नहीं होगा, ये आप लोगों के जेब में लौट के चला जाएगा। 100 रुपया 100 करोड़ रुपया कहां है? ये चुनावी फंड में निकालना है क्या? इसके बहाने कितना पैसा आएगा आपको, वो क्या कीजिएगा? चुनावी फंड में लगाइए, एक भी लोगों तक पैसे नहीं पहुंचे। जब आप पटना में पैसा नहीं पहुंचा सके खाना, तो तमिलनाडु, हैदराबाद, केरल, मणिपुर, इम्फाल, दिल्ली में आप पैसा पहुंचाएंगे? आपको नीतीश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, बेगूसराय के लोग फंसे हैं, सैदपुर के लोग 9793280448 मधुबिहार में, बिसरिया अररिया के लोग 8595132272 ये फंसे हुए हैं, 10 लोग लेबर हैं मोनाजीर अररिया जो किया 9790567385 ये फंसे हुए हैं, इसी तरीके से 9149907891 मोहम्मद मुजफ्फर छातापुर की फंसे हुए हैं, बिपिन छात गोलखपुरी 9430432130 ये फंसे हुए हैं, जितेंद्र पासवान 7903802913 मयूर बिहार में फंसे हुए हैं, राम नरेश पांडे माध्यमिक रमीज राजा और मेराव ये गौतम नगर में फंसे हुए हैं, सोनू झा मोनू झा अररिया के 7079197291 ये फंसे हुए हैं, बेगूसराय के संजय चौधरी लखीसराय के 7367918 फंसे हुए हैं, 9454607275 ये फंसे हुए हैं, आनंद बिहार में सुभाष जी फंसे हुए हैं 9608324757,
उसी तरीके से चंडीगढ़ में 8863886 फंसे हुए, उसी तरह कदम कुआ में समी में 8434302832 फंसे हुए, उसी तरह ओबराय क्षेत्र के राम प्रताप जी गुरगांव मानेसर में 9053686 फंसे हुए हैं, राम पुकार जी 7004981 मधुबनी के फंसे हुए हैं, रविशंकर बेगूसराय के आंध्र प्रदेश में 8210403112 फंसे हुए हैं, रविंद्र निराला 8210094399 फंसे हुए हैं, उसी तरह राम अवधेश जी घोड़ासान के चंडीगढ़ में फंसे हुए हैं 7888787947 ये फंसे हुए हैं, इसी तरह अमरनाथ जी नाथ मंदिर में 8873633822 ये फंसे हुए हैं, मुकुंद कुमार पटेल कर्मा से आते हैं 40-50 लोग 6239973643 ये फंसे हुए हैं, ऋतिक जी विजयवाड़ा में फंसे हुए हैं 8210403112, इसी तरीके से हैदराबाद में फंसे हुए हैं 8757467779 लगातार, मानवेंद्र मंडल फंसे हुए हैं 9472646166363 शाह आलम अंसार मिर्जा फंसे हुए हैं इसी तरीके से 9771601410, ये लगातार मेरे पास 5000 आज आए हैं, लगभग 2500 ये नाम है, ये सारे ये मेंबर्स, आपकी गहरी चिंता कहाँ है, सिर्फ पैसे पर निगाह आप सबकी, जो एसोसिएशन वार्ड को अलग नहीं कर सका, मैं बिहार की युवाओं से जनता से पूछना चाहता हूँ वो क्या करेंगे, जिनको एक जांच ना हो कलकत्ता से जांच करना पड़े वो क्या करेंगे, जिनका टेलीफोन नंबर इंगेज रहता हो सिर्फ घोषणा कर दें वो क्या करेंगे, क्या मंत्री संतरी विधायक प्रमुख जिला परिषद मुखिया जी का परिवार 1000 में गुजारा कर लेंगे, 2000 रुपया जो किसानों की घोषणा की बात कर रहे हैं वो वही पैसा है जो पैसा देना है किसानों को, आपने उसमें भी काली बाजीगरी कर ली, हम 2000 किसान को देंगे, गेहूं कटने वाले किसान जो यूरिया और खाद क्या 2000 में काम चलेगा, क्या कहना चाहते हैं हम लोग, आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती है बिहार के और उत्तर प्रदेश झारखंड के हर लोगों को जो बाहर है उसको घर मिलाना, मैं लगातार दिलीप मंडल विधायक से बात किया, मैं 2 बार मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान से बात किया, 3 बार मैं पंजाब के अपने रिश्तेदार हमारे यहाँ सारू जी सारे लोगों को मैंने लगाया, उत्तर प्रदेश में हमारे अपनी बहन जीजा जी हैं मुरादाबाद में मैनपुरी में जहाँ जहाँ लोग फंसे हैं गौतम बुद्ध में सभी जगह उनके लोगों को मैंने लगाया खाना पहुँचाना और मदद बाय चेक लगभग 5000 जगहों पर, आपको सोशल मीडिया पर और आपको युवा शक्ति बिहार और सभी जगह मैंने आपको भेज दिया है, जिनके जिनके वीडियो आ रहे हो कहीं 2000 कहीं 1100 कहीं 5000 कहीं 3000 आप तक मैं पहुंच रहा हूं, मैं हर जगह मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी औकात नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं लेकिन उसके दर्द उसकी पीड़ा, एक बहन अपनी माँ का इलाज करा के भेलोर से आई पटना में फंसी हुई है जामतारा जाना है वो रो रही है, रेणुजा घर जाना चाह रही है वो रो रही है, क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है, जब स्पाइस जेट तैयार है कि मैं ऐसे परिस्थिति में मदद करने को तैयार हूँ, सैनिटाइजर कीजिए जांच कराइए और मैं बिहार उतारने को तैयार हूँ, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जहाँ जहाँ बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ की सरकार से बात करके गाड़ी करके आप लोगों को घर तक पहुँचाएं, एक तरफ यहाँ खाने के लिए पैसे खत्म हो गए दूसरी तरफ ठेला रिक्शा और जो लोग अपने बच्चे और अपने परिवार के भरोसे खाना खा रहे थे उसके खाने बंद हो गए, कैसे जिएंगे वो कैसे खाएंगे, वह गरीब लोग अपने वो मिडिल क्लास के लोग अपने परिवार वह बच्चा जहाँ जहाँ पढ़ रहा है हरियाणा में गुड़गांव में नोएडा में वो बच्चा लगातार फोन कर रहा है, और आप को जब लॉकडाउन करना था तो 2 महीना पहले आपने क्यों नहीं किया, और 2 महीना पहले से आपने क्यों नहीं कहा बिहार के सारे लोग जो भारत के निर्माण में लगे हुए हैं कि लौट जाओ आ जाओ तुम घर लौट जाओ, हालात बहुत बुरे होंगे परिस्थितियां ठीक नहीं है अनुकूल नहीं होगी, क्यों नहीं आपने कहा, मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या इसीलिए हम लोग आए थे, क्या इसीलिए आप चुने जाते हैं, आलोचना का समय नहीं है लेकिन फिर आप सब इवेंट्स कीजिएगा,
फिर मार्केटिंग कीजिएगा। 2000 लगता है कि नेताओं के बाप का पैसा है, जनता का पैसा दे करके हम उसी से शेयर भी खाते हैं, लूटते भी हैं। बारे बा आज मैं चुनौती देता हूं आपको नीतीश जी, आप बिहार की जनता को और बिहार के गरीब और पढ़ने वाले छात्रों को उसके घर तक पहुंचाइए। आज मेरी जन की बात में सबसे ज्यादा पीड़ा, अन्यथा वो जिम्मेदारी आप हमको दीजिए। आप हमें सर्टिफिकेट भेजिए घर से निकलने का, आप दीजिए कि पप्पू यादव जहां जहां लोग हैं वहां जा सकते हैं, मैं बाय रोड जाऊंगा और मैं खुद अपने से देखूंगा। हर आदमी का पैसा, मैं सरकार नहीं हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहा हूं एक परिवार के नाते, क्योंकि हर घर मेरा परिवार है। सिर्फ मेरा परिवार मेरा नहीं है, बिहार का हर परिवार पप्पू का परिवार है, देश का हर परिवार पप्पू का परिवार है। ये सबसे बड़ा सवाल है नीतीश जी, आप बिहार की जिम्मेदारी से बात व्हाट्सएप पर आप भेजिए, सारी जिम्मेदारी तय करिए, जो जिसको जरूरत है उसका वहां तक पहुंचाइए। जो रोजमर्रे की चीज है, जो जीवन की चीज है, उससे अलग क्यों हो रहे हैं? मैं बार बार कहता हूं, लेकिन बसरे जब पप्पू ब्रिगेड काम करना शुरू कर दिया, मैं तो कहूंगा या पैसा आप जो लोग मदद कर रहे हैं पूंजीपति कैपिटलिस्ट गोबर पर मत डालिए। आप जितना मेरे गूगल के नंबर पर और मेरे अकाउंट में डालेंगे उससे करोड़ अरब रुपया, करोड़ों रुपया ज्यादा पप्पू यादव एक पुत्र और एक सेवक के रूप में लोगों तक पहुंचाएगा। आपसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप बिहार के हीरो बने। जो लोग आम आदमी भी लोगों की मदद करेगा, जहां भी खाना खिलाएगा मदद करेगा, पप्पू यादव बेटे की तरह उसे पुरस्कृत करेगा और अपने जीवन को उसके साथ खड़ा होगा। जब कभी जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं, जो लोग आज इस संकट में लोगों की मदद करेंगे, मैं रोजगार की गारंटी, नौकरी की गारंटी के साथ खड़ा रहूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। लेकिन आज सब लोग मिलकर के बाहर जितने बिहार के लोग हैं उनको घर लाने की व्यवस्था करिए, सुनिश्चित करिए। नीतीश कुमार जी प्लीज मत भागिए। भारत सरकार ने चिट्ठी लिख दी, 15 लाख लोग आए। क्यों आए? 15 लाख लोग का इलाज क्यों नहीं हुआ? 15 लाख लोगों की जांच क्यों नहीं? यह सवाल पर मेरा सवाल है, अब बार बार यह सवाल कह रहा हूं कि जांच के दायरे बढ़ाए क्यों नहीं जा रहे? सबकी जांच क्यों नहीं हो रही है? आइसोलेशन वार्ड हॉस्पिटल अलग क्यों नहीं बनाया जा रहा? ओपीडी अलग क्यों नहीं किया जा रहा? और सबसे बड़ा सवाल है कि प्राइवेट नर्सिंग होम को अभी तक अधिग्रहण क्यों नहीं किया जा रहा? मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अधिग्रहण करिए और जांच की दायरे बढ़ाइए, अन्यथा हालात बहुत बुरे होंगे। आप सोशल डिस्टेंस पर सिर्फ मत मारिए, आप जिम्मेदारी से मत मारिए। लॉकडाउन मैंने किया था, आप 23 जनवरी के बाद 1.5-2 महीना बाद आपने काम को शुरू किया, आप दोनों आदमी, ये ठीक नहीं था बिहार, भारत के लिए और बिहार के लिए। इसीलिए मैं चुनौती के साथ आपसे आग्रह करूंगा विनम्र कि सभी जगह हमारे बच्चे भूखे हैं, मेरा परिवार भूखा है, सभी जगह परेशान है। अहमदाबाद में मैंने विधायक से बात किया, सभी जगह राजस्थान, एक एक विधायक, एक एक कलेक्टर से मेरी बातचीत होगी, नागलोई के कलेक्टर से बातचीत हुई, उन्होंने हमें कॉपरेट किया। जितने विधायक से बंगाल में मैंने बातचीत किया, उन्होंने हमको दालकोला तक लोगों को छोड़ने का आश्वासन दिया। लगातार कुछ जगहों तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरी मजबूरियां, मैं दुख, मुझे परेशानी हो जाती है, खाना नहीं धसता कि जब मैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। जिन लोगों तक नहीं पहुंचा हूं निश्चित पहुंचूंगा, लेकिन मैं एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, यह जिम्मेदारी सरकार के स्तर की होगी। मैं कॉपरेट करने को तैयार हूं, आप हमें अपनी परछाई बनाए, मैं सहयोग करने को तैयार हूं, आप हमें मौका दें एक जांबाज सिपाही की तरह, सेवक की तरह काम करने। मैं सैल्यूट करता हूं ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री की, मैं सैल्यूट करता हूं
हर उस सिपाही, डॉक्टर, कर्मचारी, बैंक कर्मी, सफाई कर्मचारी कि जो कहीं ना कहीं खड़े हैं, अच्छे लोग हैं, वो बिहार के हीरो हैं, उसे मैं पुरस्कृत करूंगा। और जो लोग गुमनाम काम कर रहे हैं उसे भी, आप बिहार के हीरो पर आप डालिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। पुनः मैं कहूंगा जो जहां हैं सबको खाना में और लाने में आप सहयोग करें। मैं कोशिश कर रहा हूं भारत के हर जगह पहुंच करके चीजों को पहुंचाने की। महाराष्ट्र में जो साथी हमको सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा जहां बिहार के लोग फंसे हुए हैं, जहां आप जान रहे हैं, उनकी मदद करिए। हाथ जोड़ता हूं महाराष्ट्र के सभी बिहार के साथियों को जो संपन्न है, वहां उनको खाना, उनकी मदद करिए। और नीतीश कुमार जी, एक ट्रेन आप महाराष्ट्र से शुरू होते हुए आप बिहार के लिए या तो बात करिए, या तो लाने की व्यवस्था करिए, और ला करके उसकी पूरी जांच प्रक्रिया को बढ़ाइए। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। आज सबसे ज्यादा पीड़ा है लोगों को लाने की। लोग बहुत परेशान हैं, पिता के लिए परेशान है, घर में मां रो रही है, पिता पागल है, बच्चे अपने पिता के लिए बिलख रहे हैं, पत्नी अपने पति के लिए परेशान है। प्लीज यह आप मत लीजिए, हम सबको मिलकर के काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। या जहां पर आप बिहार के लोग हैं उन्हें नहीं ला पाते हैं तो उनको पूरी व्यवस्था करिए रहने की। ठेकेदारों से मैं बात कर रहा हूं, ठेकेदार लोग खाना और पैसा देना बंद कर दिए, ताला में लॉक कर दिए, और जब निकलता है बिहार के लोग तो उसको लाठी भी पड़ती है, उन्हें कोई व्यवस्था नहीं दिया जाता। मैं राजस्थान की सरकार और पंजाब की सरकार को धन्यवाद देता हूं जो पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 500 स्कूलों में, 300 स्कूलों में 500 लोगों को मैं खाना खिला रहा हूं, खिचड़ी। आप देख लीजिए जाकर, 300 लोग हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 50 लाख से 1 करोड़ के बीच बिहार के लोग बाहर हैं। यह गहरी चिंता है और यह चिंता हम सबको मिलकर करनी होगी। नीतीश कुमार, मैं आपको समर्पित कर दूंगा, आप इस बिहार के लोगों को अपने परिवार के बीच लाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पे दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।